हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मैजिशियन हॉग। आप सभी दोस्तों को मैजिशियन हॉग यूट्यूब चैनल और आज के एक स्टेज शो वाली जबरदस्त मैजिक ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज का जो मैजिक है ये वाकई बहुत ही अमेजिंग मैजिक है और स्टेज शो मैजिक है। तो इस मैजिक के बारे में मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता, कई सारे स्टेप में है। और ये जो मैजिक है दोस्त, ये बहुत सारे तरीकों से इस मैजिक को किया जाता है, तो आप खुद ही देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये मैजिक वाकई कितना अमेजिंग है। मैजिक एंड होने तक आपके समझ में आ ही जाएगा। तो चले सबसे पहले हम मैजिक ही देख लेते हैं। तो दोस्त, आप मेरे हाथ पे एक रस्सी देख रहे हैं। ये जो रस्सी है दोस्त, बिल्कुल ही नॉर्मल रस्सी है। जैसे कि एक नॉर्मल रस्सी में एक मिडिल होता है और होता है दो सर, एक दो सर और एक मिडिल होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही एक रस्सी लेके मैजिशियन स्टेज पर आता है और दिखाता है कि भैया देखिए, मेरे हाथ में जो रस्सी है इसका एक मिडिल है और दो सर है। आप एक बार क्लियर करके देख लीजिए। जैसे मेरे हाथ पे एक ही रस्सी है और इसका एक मिडिल है और है पीछे दो सर। तो ये जो सर वाला मैजिक है दोस्त, ये हमेशा लोगों को बहुत ही हैरान कर देता है और चौंका देता है। वो कैसे, ये स्टेज पर बोलता है कि भाई हमारा जो रस्सी है ये एक मिडिल दो सर है। आपका में भी ऐसा ही आता है, पर मैजिशियन के नहीं आता है। मैजिशियन का एक रस्सी में दो नहीं दोस्त, तीन सरे होता है। बिल्कुल ऐसे इस तरीके से दिखा देते हैं कि भैया आप चाहे तो काउंट कीजिए, एक दो तीन, रस्सी मेरे पास एक है, सर इसका तीन है। तो इसी में ऑडियंस खुश होके तालियों की गड़गड़ाहट चालू कर देते हैं। बोलता है रुकिए भाई साहब, रुकिए, आप तीन सर देखकर ही ताली पीट रहे, तो हम आपको खुश होके चार सरे दिखा रहे हैं। रस्सी मेरा एक है, सर आपको यहां पे चार दिख रहा है। आप देख सकते हैं एक दो तीन चार, रस्सी एक, एक रस्सी का चार सर। तो यहां पे कुछ मैजिशियन कुछ अलग तरीके की और भी कई सारे तरीके से इसको दिखाते हैं, तो हम आपको आपको सीधा सीधा दिखा रहे हैं। तो मैजिशियन यहाँ पे कुछ चुटकी बजा रहा, बोल के मतलब मार के बोलता है कि भैया हम तो यहाँ पे रस्सी लाया था एक, सर था दो, तो यहाँ चार कैसे बन गया। तो देखिए चार कैसे बना, आप देखिए आपके आंखों के सामने। बिल्कुल ऐसे ही दो सर मतलब पकड़ के ऐसे खींचता है, बोलता है देखिए मेरे पास रस्सी एक नहीं था दोस्त, मेरे पास रस्सी था दो, यानी ये एक रस्सी और ये एक रस्सी। चलो हम आपको दिखाई देते हैं, ये एक रस्सी है और ये एक अलग अलग रस्सी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए इस रस्सी को हम थोड़ा इधर हटके रखते हैं तो फिर भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि रस्सी यहां पे ये एक है और दूसरा ये है, पर हम तो लाया था यहां पे एक रस्सी, तो दो कैसे बन गया है। तो देखिए इस बार यहां पर भी मैजिशियन कुछ अलग करके कुछ दिखाते हैं। ऑडियंस को खुश करने के लिए मैजिशियन हमेशा नए नए तरीके आजमाते हैं। फिर बोलता है देखिए यहां आप तो रस्सी दो देख रहे, पर दो नहीं दोस्त, हमने एक ही लाया था और रस्सी अभी भी एक ही है। देखिए एक रस्सी ही है ना, एक रस्सी है, जैसा मैंने लाया था वैसा ही है। तो यहां पे एक हम गांठ लगा लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से मैजिशियन रस्सी पे एक गांठ लगा देते हैं और बोलते हैं देखिए बीच में एक गांठ है और मेरे हाथ पे रस्सी है, दो सर है। तो आपने जब बीच पे चार सर देखा था वो कहां गया, कहां गया? तो देखिए वो जो है वो इसी के अंदर में छुपा हुआ है। कैसे, इस गांठ को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसको हथेली पे लेते हैं, ऐसे लेते हुए कुछ चुटकी वगैरह मारते हैं और दिखाते हैं कि भैया देखिए ये जो दो सर है ये बाहर में है और मैंने यहाँ पे एक गांठ लगाया जो कि ये मुट्ठी के अंदर में है। कुछ मैजिक करते ही इसको छोड़ देते हैं और दिखाते हैं कि भैया देखिए एक गांठ यहाँ पे तीन गांठ बन चुका है, यानी ये एक गांठ और दूसरा जो यहाँ पे लगाया है तीसरा वो नीचे पड़ा है, यानी रस्सी हम जैसे कि एक लाया था अभी भी रस्सी एक है। पता नहीं आप बीच में से चार सरे कहां से दिखा। तो दोस्त ये मैजिक बिल्कुल मैजिशियन इस तरीके से करता है और भी बहुत सारे ट्रिक इस पे ऐड करता है और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस के साथ दिखाता है स्टेज शो में। तो चलते हैं इस मैजिक की ट्यूटोरियल की ओर, आखिर ये मैजिक मैजिशियन लोग कैसे करता है, क्या सेटिंग है इस रस्सी के अंदर।
तो बस ये मैजिक करने के लिए सबसे पहला काम जो है आपको तीन रस्सी लेना है और तीन रस्सी का चार सर जो है इसका बांधना है। वो कैसे, देखिए इस तरीके से बांधना है गांठ को, और ये जो टुकड़ा होगा दोस्त ये 12 इंच का लंबा होता है, ज्यादातर अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो इसका सर दोनों बांध दिया है, बांधने का बाद और जो लंबा रस्सी होगा दोस्त ये कितना दूर होगा, जितना दूर आपका हाथ फैलता है उतना दूर आपको ये रस्सी लंबा लेना है। अगर आप उम्र में छोटा है तो आपका हाथ छोटा होगा, उसकी हिसाब से आप इस रस्सी का लंबाई रखें, मतलब जहां तक आपका हाथ फैले वहां तक आपको इस रस्सी का लंबाई रखना है। और यहाँ पे एक काम करना है, जैसे कि दोस्त यहाँ पे ये रस्सी जो है इस सर पे तो यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये खोला है, तो इसी को इस लंबाई वाली रस्सी पे ऐसे लपेटना है, इस तरीके से लपेटना है। लपेटने के बाद यहाँ कुछ टाइट धागा से आपको बांधना है और इसको लूज रखना है, बिल्कुल लूज रखना है। इस तरीके से यहाँ पे बांधते हैं हम पहले, फिर चलते हैं आगे की प्रोसेसिंग पे। इस तरीके से लपेट के आपको यहाँ पे बांधना है एकदम टाइट धागा से, ताकि ये खुल ना जाए, मैजिक दिखाने के समय ये डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल इस तरीके से आपको यहाँ पे बांध लेना है। तो दोस्त आप देख सकते हैं कि हमने जो दो टुकड़ा है हमने इस पे बांध दिया है, और ये जो है दोस्त ये सरकता है, बिल्कुल इस तरीके से सरकता है, ये सरकते हुए नीचे आ गया। तो अभी ये दोनों जो होता है गठे ये हाथ की मुट्ठी में होता है, तो बिल्कुल इस तरीके से मैजिशियन आता है और दिखाता है कि भैया देखिए मेरे हाथ पर जो रस्सी है ये एक नॉर्मल है, और इस तरीके से जो भी बोलना होता है बोल लेता है कि भैया देखो मिडिल एक है, सर दो है, इस तरीके से बोलता है। जब दिखाना होता है तो बिल्कुल हाथ से ऐसे कवर करते हुए उस गट्ठे को पीछे की ओर ले लेते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि भैया देखिए मेरे हाथ में जो रस्सी है ये एक रस्सी है, दो नहीं है एक है। फिर से इसको जब ये पीछे की ओर है, फिर से ये जब खींचता है तो हाथ से कवर करते हुए इस तरीके से खींचते हुए हथेली में ले लेते हैं, तो ये हाथ में आ गया है। तो ऐसे दिखाते हुए जब तीन सड़े दिखाना होता है तो यहाँ पे पकड़ के, यहाँ पकड़ के रखता है हाथ की मुट्ठी में, और यहाँ से एक सर को ऐसे खींचता है, ऐसे खींच के बाहर निकल के ऐसे दिखा देते हैं कि भैया देखिए तीन सर बन चुका है, जो कि एक दो तीन। अब चार जब निकलना होता है तो ये वाला जो होता है इसको भी बाहर निकल देता है इस तरीके से, तो चार निकल दिया। तो चार निकलने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना है कि भैया रस्सी जो है एक है, बिल्कुल इस तरीके से मैजिशियन दिखाते एक रस्सी है सरे चार हैं। तो यहां पर आपको अभी दो रस्सी बनाना है, तो ये जो लंबा वाला है आपको लंबा वाला पकड़ना है, और छोटा वाला जो है हमने जो बांधा है ये हाथ पे रहेगा। तो बड़ा वाला ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता है, जैसे खींचता है तो ये दो रस्सी बन जाता है। फिर इसको ऐसे दिखाते हैं भैया देखिए मेरे पास जो रस्सी है ये एक नहीं दो है, बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं, सामने से ऐसा ही लगता है दो रस्सी लगता है। फिर इसको पीछे की ओर इस तरीके से हाथ से कवर करते हुए दे देता है कि भैया देखिए यहाँ पे रस्सी एक नहीं दो है। फिर ऐसे ऐसे खींच लेते हैं, इसमें भी बहुत सारे चीजें ऐड करते हैं मैजिशियन। तो यहाँ पे फिर इसको हाथ से थोड़ा दूर में रखता है, ऐसे रखते हैं, इस बात तो और पक्का हो जाता है कि भैया यहाँ पे रस्सी दो है। तो बिल्कुल इस तरीके से दिखाते हुए अभी रस्सी को आपको एक बनाना है, तो इसको फिर ऐसे ऐसे लेते हुए हथेली की मुट्ठी पे ले लेते हैं और एक छोटा वाला सर को पकड़ लेता है, जो कि ये छोटा वाला सर है ऊपर में जो होता है, ये छोटा वाला होता है हमेशा, तो उसको इस तरीके से पकड़ते हुए फिर इसको ऐसे खींचता है, दोनों को ऐसे खींचता है दोनों सर को, तो ये हाथ में फिर से बंद हो जाता है, मतलब अब लग रहा है कि रस्सी यहाँ पे एक है, पहले दो था अब एक है। तो यहाँ पे एक गट्ठा लगाते हैं, वो कैसे देखिए, इसको देखिए ध्यान से, मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ऐसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड के ऊपर आप ले लिया इस तरीके से, लेने का बाद देखिए ध्यान से, लेने का बाद आपको इसके अंदर से हाथ देना है, हाथ देना है, और आपने जो ऊपर लेफ्ट हैंड के ऊपर में इसको छोड़ा है इसी को फंसाना है, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से हाथ देना है और इसी को फंसा के इस गैप से हाथ को निकलना है। और ये जो हाथ अभी आपका निकलना है तो बिल्कुल ये आराम से उसी हिसाब से हाथ को निकल जाता है। तो जब आपका हाथ निकल रहा है तो यहाँ थोड़ा सा खींच देता है, थोड़ा सा खींच देता है, और ये जो होता है दोस्त ये आराम से उतर जाता है। उतरने के बाद यहाँ क्या होगा, एक गट्ठा से हो जाएगा इस तरीके से, जो कि ये खींचने से खुल जाएगा। अगर कोई राइट हैंड में बनाना चाहता है तो राइट हैंड में भी एक ही प्रोसेसिंग है, देखिए इस तरीके से राइट हैंड के ऊपर में आपको लेना है, लेने से ऐसा बन जाएगा,
आपको इस गैप के अंदर से बाहर निकलना है तो हाथ इसी गैप से देना है सीधा, देखिए सीधा आपको देना है। देने के बाद जो अंदर में है इसी को फंसाना है, जो अंदर में है इसी को फंसाना है, बिल्कुल इस तरीके से हाथ को देते हुए, ये जो छोटा वाला गैप है इस गैप से इस हाथ को लेना है और इस हाथ को राइट हैंड को आपको इस तरीके से निकलना है। निकलते समय थोड़ा बहुत खींच के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये आराम से निकल जाएगा हाथ से। फिर जब आप इसको खींचेंगे तो एक गार्ड सी बन जाता है, जो कि ये तीनों गार्ड एक जैसा लगता है। उसके बाद इस गार्ड को हथेली में ले लेते हैं और ऐसे दिखाते हुए दिखा रहा है, जो कुछ भी बोलना था बोल देता है। बोलने के बाद फिर जब इसको छोड़ देता है तो लगता है सर है नहीं रस्सी का, वो दोनों सर गायब हो चुका है और यहाँ पे तीन गार्ड हो चुका है। मतलब ये गार्ड को छुपाने के लिए एक गार्ड और डालता है, तो बिल्कुल इस मैजिक को इस तरीके से करता है। तो दोस्त मैजिक ट्रिक कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना, और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो कर देना दोस्त एक लाइक, काफी मेहनत होता है, एक लाइक कर देना। और जो भी नया दोस्त आया है इस चैनल पे, अगर आप मैजिक पे इंटरेस्ट है, मैजिक देखना सीखना पसंद करते हैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, ताकि ऐसे ही यूनिक मैजिक ट्रिक वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुंचे और सबसे पहले दोस्त आप देख पाए, सबसे पहले आप सीख पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।